YouTube, welcome back to my channel with my new video. तो अभी हम निकल रहे हैं झारखंड के लिए मेरे ससुराल. सो काफ़ी धूप हो रहा है अभी, मतलब अच्छा है धूप हो रहा है. बारिश होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि रेनकोट एक ही है और हम हैं दोनों, मैं और मेरी टांगनी माय वाइफ. हम दोनों जा रहे हैं, उसको छोड़ने जा रहा हूँ मैं, फिर कल वापस आ जाऊँगा. ओह माय गॉड, कैसे चला रहा है यार, हॉर्न मारने के बावजूद उसको पता नहीं चल रहा है. सुबह सुबह चढ़ा दिया तो अभी हम निकले वाले सोर से और जाएंगे झारखंड की चाकुलिया. और अच्छा जगह है, काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर. और इधर चारों तरफ आपको जंगल भी देखने को मिलेगा. तो आज तक मैंने कुछ जंगली जानवर वगैरह देखा नहीं है, काफ़ी बार गया हूँ लेकिन बारिश का सीज़न है, कुछ सामने में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा. वैसे भी हाथी वगैरह उधर बहुत ज़्यादा घूमते हैं. तो चलिए चलते हैं, पहले पेट्रोल डालेंगे और उसके बाद है पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा 4-5 लीटर, लेकिन और डालना पड़ेगा. तो चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो. वैसे फ्लाईओवर काफ़ी पुराना है, करीबन 100 साल पुराना है या फिर उससे भी ज़्यादा, तो उसका रिनोवेशन चल रहा है अभी, तो इसलिए काफ़ी भीड़ था. और यहाँ पे पेट्रोल नहीं है तो हमें आगे चलना पड़ेगा. और आगे चलते चलते हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए, करीबन 30-40 किलोमीटर बाद जाके हमको एक पेट्रोल का टैंक मिला. तो यहाँ पे एक टूल गेट जो कि अभी हाल ही में ओपन हुआ है, मतलब इस रूट में झारखंड ओडिशा से झारखंड जाने के लिए पहले एक टूल था जो कि अंतर्राष्ट्रीय टूल था, मतलब बॉर्डर में, उसको बंद कर दिए थे कुछ साल पहले जब GST लागू हुआ था. तो उसके बाद और दो टूल बना दिए जो कि अभी स्टार्ट हुआ है. तो ये है बैसिंगा और यहाँ तक हम साइकिलिंग करके आते हैं, करीबन 25-27 किलोमीटर होगा हमारे घर से, आना जाना 50-55 किलोमीटर हो जाता है. करीबन हमको 3-3.5 घंटे, 4 घंटे के आसपास हमको लग जाता है आने जाने. और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं करीबन बेतनाटी और यहाँ पे डालेंगे पेट्रोल, उसके बाद निकलेंगे. बोलो चले. हाँ 500 का तेल भरवाया, फिर भी देखो पहले से भी थोड़ा तेल था, फिर भी कांटा नहीं उठ रहा है.
क्या उसको वो बोलना है मेरे को 100 लीटर पेट्रोल डालो, बहुत दिन से पेट्रोल नहीं डाला ना, 100 लीटर पेट्रोल बोल रहे हैं मेरे को चाहिए, बहुत दिन से मैं भूखा हूँ तो और दो। Thank you.